दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऋषभ पंत के देहरादून से मुंबई आते ही भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी उनसे अस्पताल मिलने पहुंचेंगे। आखिरकार ऋषभ पंत को लेकर क्या अपडेट है, किस अस्पताल में मुंबई में 200 पंत का इलाज कराया जाएगा, कैसे भारतीय क्रिकेट टीम ऋषभ पंत से लाइव उनका हालचाल पूछने पहुंचेगी, आपको सारी अपडेट इस वीडियो से मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत के लिए उनके लिए कामना करते हुए आप उनके लिए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों साल 2023 का आगाज भले ही भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत के साथ किया है, लेकिन कौन भूल सकता है कि 2022 का अंत कुछ इस तरीके से हुआ था कि उसका प्रभाव 2023 में एक लंबे अरसे तक रहेगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं उस दर्दनाक हादसे की जो 30 दिसंबर की सुबह को हुआ था। सुबह 5:30 बजे खबर आती है कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों अच्छी बात ये थी कि इस जानलेवा हादसे में भी ऋषभ पंत अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते गाड़ी से बाहर आए और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मतलब कि वो सुरक्षित रहे। हालांकि फिर यह रिपोर्ट भी सामने आई कि दोस्तों ऋषभ पंत को ना जाने कितनी खरोचे आई हैं, कैसी कैसी चोटें लगी हैं और सीधे पैर में फ्रैक्चर भी बताया गया। खैर दोस्तों ऋषभ पंत के फ्रैक्चर और उनकी चोट, उनके इस एक्सीडेंट को कई दिन बीत चुके हैं। उनका मैक्स देहरादून अस्पताल में इलाज भी चला, जहां पर प्रदेश के कई बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री सहित कई बड़े बड़े अभिनेता भी आए। लेकिन अब फाइनल अपडेट दोस्तों ये आ चुका है कि ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट करा के देहरादून से सीधा लाया जा रहा है मुंबई में और यहाँ पर उनका इलाज कोकिला बेन नाम के अस्पताल में कराया जाएगा। इस अस्पताल का पूरा नाम कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है। अब इस अस्पताल से दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मालिक कौन है। खैर दोस्तों इस हाई क्लास हॉस्पिटल में PCCI ऋषभ पंत के इलाज का सारा खर्च भी उठाएंगे और उनके ठीक होने तक उन्हें शायद यहां रखा जाएगा। खबरें यह भी हैं कि उन्हें मुंबई से इसके बाद सीधा लंदन या फिर यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना किया जा सकता है, जहां पर उनके पैर की सर्जरी भी होगी। दोस्तों पूरी बात क्या है वो तो आगे ही पता चलेगी, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि भारतीय क्रिकेट टीम अभी हाल फिलहाल मुंबई में ही खेल रही थी और उनका दूसरा मैच 5 तारीख को दोस्तों पुणे में होगा। इस बीच में जब ऋषभ पंत दोस्तों इस अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम ना सिर्फ अपना मैच खेल लेगी बल्कि उनके पास थोड़ा बहुत वक्त भी रहेगा ऋषभ पंत से मिलने का। और जहां तक कि ऋषभ पंत की बात है तो दोस्तों आपको यह भी बता दें कि रोहित शर्मा यानी कि भारत के ऑफिशियल कप्तान ऋषभ पंत के बेहद ही करीबी हैं और उन्होंने ऋषभ पंत की यह खबर सुनकर अपने पूरे मालदीव्स के हॉलिडे को कैंसिल किया और तुरंत मुंबई लौट आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा ना सिर्फ ऋषभ पंत अस्पताल में उनके साथ मिलने के लिए पहुंचे बल्कि वो उनके साथ काफी ज्यादा वक्त भी बिता सकते हैं। और दोस्तों केवल रोहित शर्मा ही नहीं, आपको यह भी बता दें खबरों के अनुसार तो पता चला है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन से लेकर संजू सैमसन भी इस बात का विचार बना रहे हैं कि अगर मैच के बाद वक्त निकलता है तो शायद भारतीय टीम के ये खिलाड़ी अस्पताल में जाकर ऋषभ पंत से हमें मिलते हुए भी नजर आए। और दोस्तों आपको बता दें कि एक सूत्र से तो यह भी पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी भी एक एड शूट के लिए जल्दी मुंबई आएंगे और यदि ऐसा होता है तो वो भी 200 पंत से मिलने का ये बहुमूल्य मौका नहीं छोड़ेंगे। ऋषभ पंत ने उनके अंदर बहुत कुछ सीखा है और महेंद्र सिंह धोनी के वे भी बहुत चहेते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो 200 पंत का हालचाल लेने के लिए धोनी भी इस अस्पताल में नजर आ सकते हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पंत की स्पीडी रिकवरी के लिए, उनकी तबीयत ठीक होने के लिए आप क्या कहेंगे उनके लिए, दोस्तों नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।